हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माई चैनल। यह हम देखेंगे आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोचते हैं। ठीक है, आप अपने पार्टनर के साथ नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हैं या फिर ऑन ऑफ सिचुएशन चल रही है, आप दोनों की अभी आप रीडिंग देख सकते हैं। सभी जोडियक साइन के लिए रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, टाइमलेस है। ठीक है, सभी एज ग्रुप के लिए रीडिंग होने वाली है। जब तक हम कार्ड शफल करेंगे आपको एकदम पॉजिटिव होकर रीडिंग के साथ खुद को कनेक्ट करना है। ओके, रीडिंग देखने के साथ साथ आप जो पॉजिटिव एनर्जीज आपके साथ रेजोनेट करती हैं आप उन्हें क्लेम कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में। ओके, द वर्ल्ड, मुझे ऐसे लग रहा है कि आपके और आपके पार्टनर के रिलेशनशिप के बीच में है ना फैमिली इश्यूज भी इन्वॉल्व हैं कुछ। ठीक है, यहाँ फैमिलीज भी इन्वॉल्व दिखाई दे रही है। कुछ डिवाइन एनर्जीज तो हैं आप लोगों के साथ, यहाँ पर डिवाइन एनर्जीज जुड़ी हुई हैं आप दोनों के रिलेशनशिप में खासकर। अब हो सकता है आप बहुत ज़्यादा बिलीव करते हैं या आप थेरेपीज करते हैं, वाटर थेरेपी वाटर टेक्निक कर रहे हैं आप इन दिनों में। ठीक है, या फिर आप हीलिंग कर रहे हैं या करवाना चाहते हैं, कुछ एनर्जीज इस तरीके की हैं और आप स्ट्रॉन्गली बिलीव करते हैं एनर्जीज में। ठीक है, ओके, एनर्जीज में बिलीव करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है, तभी जा कर के आपकी लाइफ में मेजर चेंजेस होते हैं पॉजिटिव। ठीक है, आप में से किसी के घर में मतलब पेंट वगैरह हुआ होगा, या आप लोग रूम का कलर चेंज करने की सोच रहे हैं, या आप में से किसी के रूम का कलर पर्पल पिंक या वाइट कुछ इस तरीके का हो सकता है, या फिर आप चेंज करवाने की सोच रहे हैं या रिसेंटली आपने चेंज करवाया है कुछ, या फिर कर्टन्स चेंज करने का सोच रहे हैं, कर्टन्स आपके इस कलर के हो सकते हैं। ऑलराइट, देखो नई शुरुआत जितने डेस्परेटली आप करना चाहते हो उस रिलेशनशिप की, उतने ही डेस्परेटली आपके पार्टनर भी इस रिलेशनशिप की शुरुआत करना चाहते हैं आपके साथ। बीच में क्या होता है कि यहाँ पर कुछ एनर्जीज ऐसी होती हैं कि हमारे रिलेशनशिप में अप एंड डाउन हो जाते हैं, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन बन जाता है। इस एनर्जी से आपको घबराना नहीं है, लाइफ के पड़ाव हैं ये, अप एंड डाउन चलते रहते हैं, ये एनर्जी समझ के आप अभी फ़िलहाल अपने आप को तसल्ली दीजिए कि हमारी लाइफ का एक सर्कल है वो पूरा हो रहा है। पास्ट लाइफ में जो लोग बिलीव करते हैं वो भी वो इस चीज़ को समझ पाएंगे कि लाइफ का एक सर्कल होता है, पास्ट लाइफ का होता है वो पूरा होता है, जिससे हमारे पास्ट लाइफ कर्माज रिलीज़ होते हैं। ओके, पास्ट लाइफ कर्मा की आप लोग रीडिंग लेना चाहते हैं कि आप लोग की पास्ट लाइफ में क्या चीज़ें हैं, क्यों अभी भी ब्लॉकेजेस है, उसके लिए आप इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हो। ओके, हाँ, यहाँ पर आपने हो सकता है रिसेंटली रीडिंग लिया है किसी से तो, और आपका कंफ्यूजन थोड़ा सा और ज़्यादा बढ़ गया है, आपको चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं। मैजिशियन की एनर्जी यहाँ पे मुझे दिखाई दे रही है कि आप लोग काफ़ी ज़्यादा एनर्जीज में बिलीव कर रहे हो, सेम एनर्जीज आपके पार्टनर की भी, कि काफ़ी समय बाद आप आपके पार्टनर जो हैं वापस इस रिश्ते में आना चाहते हैं, क्योंकि वो ये देख रहे हैं कहीं ना कहीं कि आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते जा रहे हो। हालांकि इंटरनली आप बहुत ज़्यादा सैड हो, बहुत ज़्यादा भी नेगेटिव थॉट्स में हो, हालांकि वो लेकिन वो ये सोचते जा रहे हैं कि आप आगे बढ़ते जा रहे हो। ठीक है, वो कोशिश करेंगे, पूरा फोर्स लगा देंगे अपनी, मतलब पूरी एनर्जी लगा देंगे इस रिलेशनशिप को फिर से वापस शुरू करने में। ओके, वो अपने आप को ऐसे दिखा रहे हैं अभी आपके सामने कि आपकी लाइफ में है ना उनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, वो इस तरीके से ये एनर्जीज दिखाकर आपके पास आएंगे कि उनको उनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है आपको। अब वो आपके लिए भी कितने ज़रूरी है तो आप जानते हो, लेकिन वो ये दिखाकर आएंगे कि वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी, भाई तुम्हें मुझे ऐसा लग रहा था तुम मुझे बहुत याद करते हो याद करती हो, इसलिए मैं तुम्हारे पास आया हूँ या आई हूँ। ठीक है, और यहाँ पर रिसेंटली उन्होंने या आपने ब्लैक कलर का थ्रेड पहना है या ब्रेसलेट लिया है आपने, या स्ट्रांगली आप लेना चाहते हो कोई ब्रेसलेट। अगर आप कोई ब्रेसलेट लेना चाहते हो अपने रिलेशनशिप के लिए अगर, तो आप रोज़ क्वार्ट्ज ले सकते हो, रोज़ क्वार्ट्ज अगर आपको चाहिए और हील हुआ हुआ चाहिए आपके रिलेशनशिप के लिए आपके नेम और आपके पार्टनर के नेम से, तो आप हमसे ले सकते हो, ओरिजिनल मिलता है। ओके, आपकी रिलेशनशिप के लिए हील करके देते हैं। ओके,
ठीक है ओके यहाँ पर आप और आपके पार्टनर के बीच में लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप दिखाई दे रहा है। आपके पार्टनर जो है ना आपको कभी छोड़ेंगे नहीं। अभी नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन ज़रूर बन गया है आप दोनों के बीच में, लेकिन वो कभी नहीं छोड़ने वाले हैं आपको। यहाँ पर लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है तो आएंगे, वो आएंगे आपके पास, मतलब ना ये दिखा कर आएंगे कि आपको ज़रूरत है, लेकिन कोई गिफ्ट लेकर ज़रूर आएंगे आपके लिए। ओके अगर एक सिटी में रहकर आसपास रहकर भी नहीं मिले हो तो ये जो दिल में दूरियां बन गई हैं, आपको लगता है कि आपके और आपके पार्टनर के बीच में दूरी आ रही है, ऐसा कुछ नहीं है, वो ज़रूर आ रहे हैं। यहाँ पर चैरियट का कार्ड है भाई, इस कार्ड को देख के सबके फेस पर स्माइल आ जाती है, डेफिनेटली वो आ रहे हैं। टाइम नहीं लगाएंगे, स्पीड में ही आएंगे, क्योंकि टाइम लगाने का मतलब उन्हें लग रहा है कि अब वो आपको खो देंगे। यहाँ टेम्परेंस की एनर्जी है, बैलेंस करना चाहते हैं। यहाँ पर एनर्जी का कुछ तो, या तो आप में से कोई हीलर है, ठीक है, या कुछ एनर्जीज इस तरीके की कि डिवाइन आपकी दोनों को रीयूनियन करवाने के लिए, आप दोनों के रिलेशनशिप में बैलेंस करने के लिए वर्क कर रहा है। तो यहाँ पर ये एनर्जीज पे आपको बिलीव करना है। अब आप कहोगे कि इतनी पॉजिटिव एनर्जीज आ जाती है, क्या ब्लॉकेज है? तो ब्लॉकेज यहाँ पर है कि आपके पार्टनर आपकी तरफ बढ़ने की कोशिश करते हैं, लाइक उन्होंने मैसेज टाइप किया फिर इसको रिमूव कर दिया, मैसेज टाइप किया फिर इसको रिमूव कर दिया। इस एनर्जी की वजह से आप दोनों के बीच में अप एंड डाउन लगा रहता है। एक नहीं, मैंने स्टार्टिंग में बोला था एक से ज़्यादा लोग मुझे आप दोनों के रिलेशनशिप में इंटरफेयर करते हुए दिखाई दे रहे हैं, हो सकता है फैमिली इशूज़ हैं। लेकिन यहाँ पर जो आपके पार्टनर हैं भाई, आपके बारे में बहुत अच्छा सोच रहे हैं, यहाँ पर आपके साथ फैमिली है, फैमिली बनाने के बारे में आपके लिए सोच रहे हैं। चाहे आप रिलेशनशिप में कितने भी अप एंड डाउन आएँ, लेकिन इस वक्त आपका जो पार्टनर है आपको लेकर काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव है, आपको लेकर काफ़ी ज़्यादा वो पॉजिटिव फील कर रहे हैं, इसलिए अब आपके पास आना चाहते हैं। टाइम नहीं लगाएंगे क्योंकि यहाँ पर हमारे पास चैरियट है और यहाँ पर डिवाइन एनर्जीज वॉक कर रही हैं। अगर आप हीलर हैं तो आपको आइडिया होगा कि किस तरीके से अपने रिलेशनशिप को हील करना है। ओके थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।